दोस्तों, एक तथ्य आप दशकों से टीवी पर, अखबार में और इंटरनेट पर सुनते या पढ़ते आ रहे होंगे, वो ये कि मनुष्यों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। शायद आपने व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसा महसूस किया हो कि आज से कुछ दशकों पहले तक गर्मी कम एवं सर्दी अधिक पड़ती थी, किंतु वर्तमान में गर्मी का ही बोलबाला है। इस परिवर्तन के पीछे आप भी मानव कारगुजारियों को ही जिम्मेदार मानते होंगे, किंतु आपको क्या लगता है कि छोटा सा मानव भला इस विशाल प्रकृति चक्र में कितना बदलाव कर सकता है? और यदि हम वास्तव में कोई बहुत बड़ा बदलाव मौसम चक्र में कर रहे हैं, तो इस बदलाव को समायोजित करने के लिए प्रकृति किस तरह से पलटवार करेगी? पिछले दिनों अमेरिका और कनाडा में एक चक्रवात आया। इस चक्रवात ने मौसम को इतनी तेजी से प्रभावित किया कि इस चक्रवात को बॉम्ब नाम दे दिया गया। बॉम्ब से प्रभावित क्षेत्रों में अचानक से तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सर्दियों के दिनों में तापमान में इतनी गिरावट जानलेवा साबित हुई। अमेरिका के उत्तरी हिस्से में पारा -45 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया, जिस वजह से 20 इंसान मारे गए और हजारों की संख्या में मासूम पशु पक्षियों ने ठंड के दंश का शिकार बनकर अपने प्राण त्याग दिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि कनाडा और अमेरिका के जिन हिस्से में चक्रवात भयंकर ठंड लेकर आया, उन्हीं हिस्सों में रहने वाले लोगों का इस वर्ष गर्मियों में बुरा हाल था। लोगों का कहना था कि उन्होंने इतनी अधिक भीषण गर्मी अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तो क्या भयंकर ठंड लाने वाला यह चक्रवात उसी गर्मी से उपजा था? इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। दरअसल बदलते मौसमों के मामले में वैज्ञानिक दो तथ्य रखते हैं। एक तथ्य के अनुसार पृथ्वी पर प्रदूषण की वजह से उपजे ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम चक्र बिगड़ रहे हैं, जिस कारण कभी गर्मी बढ़ जाती है तो कभी भयंकर तूफान आ जाते हैं। वहीं दूसरा तथ्य कहता है कि पृथ्वी पर बदलते मौसमों के पीछे इंसानी प्रदूषण का कोई विशेष योगदान नहीं है, बल्कि जल्द ही पृथ्वी पर एक हिमयुग यानी आइस एज शुरू होने वाला है, और एक बार शुरू होने पर यह आइस एज लाखों सालों तक चलेगा, क्योंकि पृथ्वी के 4.5 अरब वर्षों के जीवन में ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। तो चलिए आज के वीडियो में दोनों ही तथ्यों की सच्चाई को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी झुकी अवस्था में ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जिस वजह से पृथ्वी का आधा हिस्सा सूर्य के नज़दीक होता है और आधा हिस्सा सूर्य से दूर। मौसम परिवर्तन के पीछे पृथ्वी का झुकाव ही सबसे बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त ये झुकाव मौसम के साथ साथ दिन और रात होने के घटनाक्रम को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप नॉर्वे देश के शहर ट्रोम्सो की बात करें, तो ये शहर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के बहुत पास पड़ता है, जिस कारण से गर्मी के दिनों में तो यहाँ कई महीनों तक सूर्य अस्त ही नहीं होता, जबकि सर्दी के दिनों में यहाँ सूर्य उदय नहीं होता, क्योंकि सर्दियों के दिनों में पृथ्वी के झुकाव के कारण यह शहर सूर्य से दूर चला जाता है और गर्मियों में पास आ जाता है। जहाँ तक मौसम परिवर्तन की बात है, तो पृथ्वी के झुकाव के साथ साथ पृथ्वी पर पड़ने वाली गर्मी और सर्दी इस बात पर भी निर्भर करती है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय अंतरिक्ष में किस जगह पर मौजूद है। आपने ज्यादातर मौकों पर अपने सौरमंडल का कुछ इस तरह का मॉडल देखा होगा। इस मॉडल में सभी ग्रह सूर्य से एक समान दूरी बनाए एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, परंतु सौरमंडल का यह मॉडल सिर्फ छोटे बच्चों को समझाने के लिए बनाया गया आधार है। असल में तो हमारा सौरमंडल बड़ा ही जटिल है। यहाँ सभी ग्रह अलग अलग गति लिए अलग अलग ढंग और पथ पर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। किसी ग्रह का पथ अंडाकार है, तो कोई ग्रह कई बार सूर्य से काफी नजदीक तो कई बार सूर्य से काफी दूर हो जाता है। हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल गोलाई में सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, बल्कि पृथ्वी का पथ भी काफी हद तक अंडाकार ही है। साथ ही पृथ्वी की सूर्य से दूरी भी लगातार घटती बढ़ती रहती है, जिस वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर हमेशा एक जैसा नहीं पड़ता। जब हम सूर्य से दूर होते हैं, तो पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी कम पड़ती है, और जब हम सूर्य के नजदीक होंगे तो सूर्य की रोशनी भी अधिक होगी। पृथ्वी की कक्षा के पथ में जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में सबसे अधिक दूरी होती है, तो उस स्थान को एफिलियन कहा जाता है। यह मौका 4 जुलाई को होता है। वहीं 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे पास वाले स्थान पर होती है। इस स्थान को पेराहिलियन कहा जाता है। इस दिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 7% अधिक पड़ता है। हालांकि हमारे भारत में जुलाई की बजाय जनवरी का महीना सबसे सर्द होता है, क्योंकि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से में है, और पृथ्वी के झुकाव के कारण इस हिस्से पर जनवरी के महीने में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता। लेकिन पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देशों में जनवरी का महीना काफी गर्म होता है।
है। उदाहरण के लिए यदि ऑस्ट्रेलिया के मध्य की बात की जाए तो यहाँ जनवरी के महीने में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक बना रहता है। अब खास बात ये है कि पृथ्वी की परिक्रमा पथ में लगातार बदलाव आता रहता है। कभी ये पथ कम अंडाकार तो कभी अधिक अंडाकार हो जाता है, जिस वजह से भी गर्मी और सर्दी के मौसम प्रभावित होते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा पथ में बदलाव बहुत लंबे समय में आते हैं और ये बदलाव लंबे समय तक बरकरार भी रहते हैं। प्रत्येक 93,000 सालों में पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने की कक्षा और ज्यादा अंडाकार हो जाती है, जिस कारण जनवरी के महीने में पृथ्वी पर 7% अधिक पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश 23% अधिक हो जाता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान के दम पर इंसानों के पास पृथ्वी की परिक्रमा पथ के बारे में सिर्फ कुछ दशकों की ही जानकारी है, इसलिए लंबे समय में आने वाले इन बदलावों को पूरी तरह से जाना नहीं गया है। किंतु जानकारों का मानना है कि वर्तमान समय में पृथ्वी का पथ कहीं अधिक अंडाकार है, जिस वजह से भी पृथ्वी पर सर्दियां कम और गर्मी अधिक महसूस की जा रही है। दोस्तों, मौसम परिवर्तन के कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनके बारे में शायद हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। वास्तव में जिस तरह से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसी प्रकार से हमारा सूर्य भी हमारी आकाश गंगा में लगातार गतिमान है, एवं सूर्य के साथ पृथ्वी समेत सभी ग्रह भी आकाश गंगा में लगातार एक अनजान रास्ते की ओर बढ़े जा रहे हैं। और रास्ते कभी एक समान नहीं होते, रास्ते कहीं खूबसूरत तो कहीं पथरीले और धूल भरे हो सकते हैं। अंतरिक्ष में अनेकों जगह धूल और गैस के बादल मौजूद हैं। ये बादल भी अनेकों बार सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं एवं पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को प्रभावित करते हैं, जिस कारण मौसम परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अंतरिक्ष में मौजूद धूल और गैसों के बादल बहुत छोटे और बेहद बड़े भी होते हैं, जिन्हें कुछ दिनों में पार नहीं किया जा सकता। ये बादल हमारे पूरे सौरमंडल से भी अधिक बड़े हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर कई बार हिमयुग आए हैं। अंतिम हिमयुग करीब 10,000 वर्षों पहले ही खत्म हुआ है। हिमयुग आने के पीछे का एक कारण पृथ्वी की अंतरिक्ष में यात्रा भी हो सकती है। जब से मनुष्यों ने औद्योगिकरण शुरू किया है, तभी से हम अनगिनत मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में छोड़ चुके हैं। ये गैसें पृथ्वी पर तापमान को बढ़ा रही हैं, परंतु जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्लोबल वार्मिंग एक दिन प्रकृति से हार जाएगी। प्रत्येक 10,000 सालों में पृथ्वी पर पड़ने वाली ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है और अब एक बार फिर से पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत होने का समय आ गया है। हिमयुग से पूरी पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी। बर्फ से ऊंचे पहाड़ और घाटियां दब जाएंगी, नदियों का बहना थम जाएगा और समुद्रों का पानी जम जाएगा। नदियों के ना बहने के कारण समुद्रों के पानी का स्तर भी कम हो जाएगा। भारत जैसे गर्म देश में शायद हालात ज्यादा खराब ना हो, किंतु यूरोप, रूस और उत्तरी अमेरिका में रहने वाले लोगों को भयानक ठंड का सामना करना पड़ेगा। यहाँ उगने वाले सभी प्रकार की फसलें नष्ट हो जाएंगी और बेहद अधिक सर्दी होने के कारण पावर प्लांट से लेकर गाड़ियों के इंजन तक शुरू नहीं हो पाएंगे। शायद यहाँ रहने वाली आबादी को फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिकी महाद्वीपों के देशों की ओर पलायन करना होगा। पृथ्वी का सीमित हिस्सा निश्चित तौर पर इतनी बड़ी आबादी को नहीं संभाल सकता, जिस कारण चारों ओर भूखमरी का ही अस्तित्व होगा। वास्तव में प्रकृति की शक्ति असीम है। हम इंसान प्रकृति का दोहन केवल तभी तक कर पा रहे हैं जब तक माँ प्रकृति हमारे अनुकूल है, वरना हमारे उद्योगों से लेकर हमारे अस्तित्व तक को प्रकृति कुछ क्षणों में ही नष्ट कर सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।